रिया चक्रवर्ती कल जब सीबीआई के साथ पूछताछ चल रही थी उनकी, तो उन्होंने बार बार एक लाइन कहनी शुरू की और वो बार बार ये कह रही थी कि मुझे हैरस कर रहा है मीडिया, हैरस कर रहा है, मेरा हैरेसमेंट हो रहा है। जब उन्होंने कई बार ये लाइन दोहराई तो उनसे पूछताछ कर रही सीबीआई अधिकारी नुपुर प्रसाद ने सीधे तौर पर कहा कि अगर आपको हैरेसी करना होता तो आपको पटना बुलाया जाता, यहाँ तो हम आपके शहर में आए हैं आपसे पूछताछ करने, साथ में शर्त ये भी रखी है कि आपके घर पर आकर भी पूछताछ कर सकते हैं और ये आपकी चॉइस है कि आप हमारे दफ्तर में आकर पूछताछ करने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसे में आप ये कहना बंद करें कि आपका हैरेसमेंट हो रहा है। और अब तो सीबीआई ने मुंबई पुलिस की सुरक्षा भी उन्हें मुहैया करा दी है। तो ये कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का एटीट्यूड बताता है। मैं आपको बता दूं कि आज पूछताछ का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन जिन मुख्य बातों को लेकर उनसे पूछताछ हो रही है उनमें है उनकी डिलीटेड चैट, वो चैट जो उन्होंने डिलीट कर दी थी। उस चैट में ऐसा क्या था जो उसे डिलीट कर दिया गया? क्या छिपाना चाहती थी रिया? किस बात के पकड़े जाने का डर था रिया को? इसके अलावा उनसे पूछा जा रहा है कि 13 जून का यानी सुशांत के जाने से एक दिन पहले क्या घटनाक्रम था, वो कहाँ थी, किससे बात हुई, कोई फोन आया? इसके अलावा जो उनसे सवाल किए जा रहे हैं वो हार्ड डिस्क को लेकर किए जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि सुशांत के डेस्कटॉप का डेटा 8 हार्ड डिस्क में लिया गया और फिर उन्हें नष्ट कर दिया गया। तो ये वो सारी बातें हैं जिन पर आज सवालों का शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर कसा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब से सीबीआई की पूछताछ शुरू हुई है तब से अभी तक रिया चक्रवर्ती से कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाया है जिसकी वजह से लगे कि हाँ अब कुछ हाथ में लगा है। ऐसे में सीबीआई उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी बात सोच रही है और अगर रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट होता है तो उनके साथ बाकी के प्राइम जो सस्पेक्ट्स हैं उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। फिलहाल सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को दो टूक जवाब दिया है कि आप ये कहना बंद करें कि आपका हैरेसमेंट हो रहा है, कि अगर क्योंकि अगर हैरेसमेंट हो रहा होता तो आपको दूसरे शहर में बुलाया जाता, आपको पटना में बुलाया जाता, लेकिन हम आपके शहर में आए हैं पूछताछ करने, साथ में शर्त ये भी रखी है कि आप चाहें तो हम आपके घर में आके पूछताछ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप हमारे दफ्तर में आ रही हैं और अब तो मुंबई पुलिस की सुरक्षा भी आपके साथ है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती से जिन बातों को लेकर पूछताछ हो रही है उसमें उनकी पूछताछ नीरज के सामने बैठाकर भी की गई है ताकि दोनों पक्षों को सामने लाया जा सके। सीबीआई के पूछताछ करने का तरीका यही होता है कि पहले अकेले में पूछताछ और फिर काउंटर करने के लिए आपका जो बयान किसी से क्लैश हो रहा है उसके सामने बैठाकर पूछताछ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नुपुर प्रसाद को बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी माना जाता है। कल कुछ ऐसी खबरें आई थी कि नुपुर ने झड़प दिया उन्हें। असल में यह झड़प जो थी वो यही थी कि जो बार बार रिया ने कहा कि मुझे हैरेस किया जा रहा है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि आपको हैरेस नहीं किया जा रहा है, अगर हैरेस कर रहे होते तो आप कहीं और बैठी होती। फिलहाल जांच आगे बढ़ रही है और अब कुछ देर में कुछ और बड़े खुलासे होने वाले हैं। जैसे ही कुछ बड़ा अपडेट आएगा मैं लेकर तुरंत हाजिर होऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ।